ये जो ऊपर वाला है ना, बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी? कौन सा खेल भाई? क्रिकेट। उसमें क्या करता वो? बोलिंग, स्पिन बोलिंग। और उसने अभी अभी बोल की है एक गुगली। जानते हैं ना आप गुगली? बॉल ऐसे लगता है कि जा रही है वहां, मगर जाती है ठीक ऑपोजिट यहां, बैट्समैन के आउट होने के पूरे पूरे चांसेस। एक तरह से देखे तो ये वायरस भी ना, इट्स लाइक अ गुगली फ्रॉम गॉड। आप जानते हैं कि इसके बारे में हम में से बड़े बड़े भी बहुत कम जानते हैं, मगर हम सब ये तो समझ ही चुके हैं कि आगे का सफर लंबा है और बहुत तलों पर काफी कठिन। समाज, अर्थव्यवस्था, परिवार, हम। आजकल एक फोटो आ रही है व्हाट्सएप पर, देखी होगी आपने। लॉकडाउन के पहले पतले और फिट, लॉकडाउन के बाद गोलमटोल। ये शरीर के बारे में सच हो ना हो, मन के बारे में बहुत हद तक सच है। भार शरीर का तो मैनेज किया जा सकता है, मगर भावनाओं का, जो ठेस लगी, जो दिल टूटा, भीतर टेंशंस, डर, स्ट्रेस, कल क्या होगा। महामारी के बीच इन भावनाओं का भार उसका क्या करे? क्या भारतीय बोध हमें कुछ सूत्र दे सकता है इस विषय में? अकर कुकर, संथाल, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का एक गहरा और प्यारा शब्द, अकर कुकर। दिमाग से चिंतित, शरीर से थके, आजकल हमारी स्थिति। चलिए एक संथाली कहानी कहते हैं, एक बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार की। एक जमाना था जब सब अम्मा को ना घर की मालकिन मानते, मगर अब वो सिर्फ बोझ बन गई थी। सबके अपने अपने टेंशंस, दुख, परेशानियां, अलग अलग सोच सबको खा रही थी। आगे कामकाज का क्या होगा? स्कूल कब जाएंगे, पिज्जा कब खाएंगे, फिल्में कब देखेंगे, वो नई वाली साड़ी वो कब खरीदेंगे, यार दोस्तों से गप्पाजी कब करेंगे, एक ठो पान कब खाएंगे। बूढ़ी अम्मा और उसकी कथा कहानियों के लिए किसी को अभी फुर्सत कहां। घर में अब रोज रोज वो ताने सुनती, सब अपनी झुंझलाहट उस बेचारी पर निकालते, बहुएं, बेटे, यहां तक कि पोते पोती भी। सुनते 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 अम्मा धीरे धीरे मोटी मोटी और मोटी होती चली गई, इतना कि अब वो दरवाजे से अंदर बाहर भी नहीं हो पाते। बच्चे उसे देखते कहते, पी को पोको, संथाली में मोटे मोटे का। एक दिन अम्मा से ना रहा गया, लॉकडाउन गया भाड़ में, उसने कुछ कपड़े उठाए और निकल पड़ी घर से। गांव के बाहर पश्चिम दिशा में बहुत साल और महुआ के पेड़ थे, वहां एक पेड़ के नीचे जा बैठी। अम्मा की नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी, चिड़िया चहचहाई और अम्मा अचानक बोल बैठी, का बताए तुम्हें, ये जो हमार छोटा वाला बेटा है ना, वो शुरू हो गई अम्मा एक एक कर चिड़िया को सब गिले शिकवे बताने, किसने क्या कहा, कब कहा, कितना दुख लगा, कितनी तकलीफ हुई, कितनी चोट खाई। चिड़िया रानी को बताते बताते अपनी दुखी कहानी धीरे धीरे क्या देखते हैं, हो गई पतली फिट हमारी अम्मा नानी। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है, आंखें चमक रही हैं और दिल का भार सब गायब। चिड़िया को थैंक यू बोल वापस घर की ओर चली। अब मानसिक भार को दूर करने की कीमिया अम्मा के पास थी, वो क्या? दिल दिया गल्ला, गपशप, गुफ्तगू, गिले शिकवे, हृदय की बात, बस कहना।
यदि कोई सहानुभूति से सुनने वाला हो तो शुभ, नहीं हो तो बना लें। कभी बालकनी के बाहर जो पेड़ महाराज हैं उनसे बात, कभी आसमां में खिड़की से झांकते हुए चंदा मामा से चर्चा, कभी किसी प्यारे की मूरत से। आपके जो भी इष्ट हो, गुरु हो, अपने परम साथी से कल्ला, फिर कभी आईने में अपनी खुद की परछाई से गुफ्तगू। हम सब घर के भीतर मृत्यु की खबरों से घिरे, स्पर्श से भी भयभीत, कल का कुछ पता नहीं। ये सामान्य या नॉर्मल स्थिति तो है नहीं, परेशानी स्वाभाविक है, दुख, झुंझलाहट और क्रोध भी स्वाभाविक है, परफेक्टली नेचुरल। दिक्कत तब है जब हम घर परिवार में ये सब भावनाएं एक दूसरे पर निकालने लगते हैं। सुना होगा आपने, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही परे जाए। रहीम बाबा कहते हैं ये प्रेम का धागा बहुत कोमल है, इसे यूं झटके में ना तोड़ना, टूटने से ये जुड़ता नहीं और यदि जुड़ भी जाए तो इसमें ना गांठ पड़ी रहती है। कभी कभी उस गांठ को पिघलाने में पूरा जीवन या कहें कभी जन्म जन्म भी लग जाते हैं। घर परिवार में, रिलेशंस में प्रेम बनाए रखना और साथ खुद का मानसिक भार संभालना, ये हमारी परिपक्वता, मैच्योरिटी का प्रतीक है। इस दृष्टि से भारतीय दर्शन में कुछ प्रोसेस वर्ड्स, प्रयोगात्मक शब्द हैं। पहला, दमा। क्रोध में, झुंझलाहट में अक्सर हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जो फिर सोचते हैं कि काश नहीं कहा होता। उसके लिए हमारे ऋषियों ने एक प्रयोग दिया है, दमा। जब क्रोध, दुख घेरे, झुंझलाहट हो, तब अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को, आंखें, कान, जबान, निग्रह, उन्हें रोकें, बंद करें, रिस्ट्रेन, कन्फाइंड, होल्ड बैक। एग्जाम्पल के तौर पर, क्रोध यदि किसी से बात करते हुए आए तो कुछ बहाना बनाएं और उस सिचुएशन से फिजिकली निकल जाएं। अपनी इंद्रियों को विथड्रॉ कर लें, समेट लें पूरी तरह। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड सेल्फ डिसिप्लिन टू डू दैट। दमा साधने के लिए दम लगता है रे भैया, मन तो होगा एक ठो लाइन हम भी बोल दें, मगर रही मन धागा प्रेम का, अकेले कमरा है तो वहां चले जाए, बालकनी या रूफ है तो वहां चले जाए। ये सब संभव ना हो तो सबका सहारा बाथरूम हमारा, दरवाजा बंद कर ले। दमा, इंद्रियों का निग्रह, कंप्लीट विथड्रॉल, ठीक कछुए की तरह। ये सब तो ठीक है, मगर भीतर जो तांडव चल रहा है रे भैया, उसका का करें? उसके लिए हमारी संथाली अम्मा और चिड़िया को याद करें। जो गुस्सा, दर्द, झुंझलाहट भीतर हो, उसे शब्दों में बोल बोल के रिलीज इट। चाहे तो रूम में म्यूजिक लगा लें ताकि आवाज बाहर ना जाए, चाहे तो पानी चला लें बाथरूम में। एक टिप, यदि हमारे पारंपरिक धोबी भैया उनकी तरह कपड़े धो सकें तो बहुत सहायक होगा, शरीर के पोर पोर से गुस्सा निकल जाएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड। यदि बोलने की ना संभावना हो तो लिखें या टाइप इट आउट पूरे भाव से, जोश से, पोर इट आउट। एक पल आएगा खुद से जब दर्द निकल जाएगा, क्योंकि हर इमोशन आता है जाता है, कोई भाव भाई टिकता नहीं। एक बात याद रखें, प्रयोग के बाद जो लिखा है उसे डिलीट कर दें
या अच्छी तरह से पेपर को फाड़ के फेंक दें। ऋषियों का दूसरा प्रयोग शब्द, जब आप उस भाव को जाते हुए महसूस करें, when you see it fading out, थोड़ी देर और बोलें और लिखें, फिर रुक जाएं, बैठ जाएं शांत अकेले वहीं जहां हैं, और अब एक बार, and this is very important, जो भी कारण बना गुस्से का, उसके जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण से उसी सिचुएशन को देखें। स्टेप इन टू देयर शूज एंड वॉच नरेट, इससे भीतर जागेगी करुणा। आप ट्राई करेंगे तो खुद अनुभव होगा, धीरे धीरे आप उनकी परेशानी, उनकी मजबूरियां, उनके जीवन की पेचीदा मानसिक धार समझ पाएंगे, भीतर एक गहरा करुणा भाव उभरेगा, एंड दिस विल बी स्पॉन्टेनियस, थोपा हुआ नहीं। भारतीय दृष्टि में हमारे ऋषियों ने इस एटीट्यूड को कहा है क्षांति, शांति नहीं, क्षांति, गहरा स्वीकार, दूसरे के प्रति वो जैसा भी हो, जो भी स्थिति हो उसके प्रति, नो डिजायर टू चेंज एनीथिंग और एनीवन। इस क्षांति से आती है शांति। फिर कुछ देर आप आराम करें और हमारी संथाली अम्मा की तरह हल्के फुल्के होकर सबसे हिले मिले, एक कप गर्मा गर्म चाय बनाए, यदि चाय में गलती से नमक भी पड़ जाए तो उसके साथ एक ठो मुस्कुराहट घोल दे, अपने आप मिठास आ जाएगी, क्यों। याद रहे गृहस्थी सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थाश्रम, जहां हम स्पिरिचुअली मच्योर होते हैं, जहां साधना सधती है, नजदीकी रिश्तों की जो कश्मकश है उसमें, वहां हमारे सब चेहरे दिखते हैं, सुंदर एंड समटाइम्स नॉट सो सुंदर। इस घर, इस गृहस्थी, इस प्यारी सी कश्मकश, इसको सलाम, आप सबको प्रेम, और उस खिलाड़ियों के खिलाड़ी को सदा सदा प्रणाम।